अमेज़न रेनफॉरेस्ट 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर का रेनफॉरेस्ट है। आप इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि इतने बड़े एरिया में पूरे ब्रिटेन और आयरलैंड को मिला भी दिया जाए तो ब्रिटेन और आयरलैंड 17 बार फिट हो जाएंगे। इसकी विशालता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि ये रेनफॉरेस्ट पूरे 9 देशों में फैला हुआ है, जिसमें ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गियाना, सूरीनाम और द फ्रेंच गियाना जैसे देश शामिल है। अमेज़न जंगल को रेन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर वक्त बारिश होती रहती है। यहाँ मुश्किल से ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जब यहाँ बारिश नहीं पड़ती होगी। अमेज़न इस दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो अमेज़न रिवर इस दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है। एक अंदाजे के हिसाब से अमेज़न रेन फॉरेस्ट और इसकी मिट्टी में 150 से 200 टन की कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टोर्ड है। इस रेन फॉरेस्ट में 47 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर आदिवासी है। अमेज़न जंगल में लगभग 40,000 प्लांट्स की स्पीसीज है और लगभग 40,000 करोड़ पेड़ पौधे हैं। और ये जंगल इतना घना है कि सूरज की रोशनी जमीन को छू भी नहीं पाती। यहाँ के पेड़ पौधे सूरज की रोशनी को जमीन पर पड़ने से रोक लेते हैं। अमेज़न को लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है क्योंकि पूरी धरती का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है। अमेज़न जंगल में 1400 पंछियों की प्रजाति, 3000 प्रकार की मछलियों की प्रजाति और 25 लाख कीड़े मकोड़ों की प्रजाति पाई जाती है। अमेज़न जंगल में बिना किसी इक्विपमेंट और एक्सपर्ट के जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे जानवर रहते हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं होंगे। जैसे कि इस सुंदर मेंढक को ही देख लो। अगर इसकी खूबसूरती पर फिदा होकर आपने इसे अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो ये आपकी आखिरी गलती साबित हो सकती है। ये मेंढक को सिर्फ छूने से ही आप मर सकते हो। ये इतने जहरीले होते हैं कि सिर्फ छूने से ही आपकी मौत हो सकती है। इसमें इतना जहर होता है कि 20 इंसानों को और 20,000 चूहों को आसानी से मार सकता है। और अब जरा इस मेंढक को देखो। ये मेंढक नीचे से पूरा ट्रांसपेरेंट है। आप इसका एक एक ऑर्गन बड़ी आसानी से देख सकते हो। आप बिना इसकी बॉडी को चीरे इसके धड़कते हुए दिल को देख सकते हो। अमेज़न जंगल में इस दुनिया की सबसे बड़ी चील की प्रजाति पाई जाती है। जरा इसे देखो, ये हार्पी ईगल है, दुनिया का सबसे बड़ा ईगल। ये चील की प्रजाति 36 से 40 इंच तक बड़ी होती है। ये हार्पी ईगल 9 किलोग्राम तक वजनी हो सकते हैं। इनका विंग स्पैन 5 फुट 9 इंच से लेकर 7 फुट 4 इंच तक हो सकता है। इस इमेज को देखिए, ये एक इंसान है और ये हार्पी ईगल है। आप इसके साइज का अंदाजा लगा सकते हो। ये इतना बड़ा है कि ये 5 साल के बच्चे को आसानी से हवा में लेकर उड़ सकता है। इस चींटी को बुलेट एंट कहते हैं, जो अमेज़न में पाई जाती है। अगर ये आपको काट ले तो इसका दर्द सहना बहुत मुश्किल है। इसके दर्द की तुलना गोली लगने से की जाती है, इसलिए इन्हें बुलेट एंट कहा जाता है। अगर ये आपको काट ले तो इसका दर्द 24 घंटे तक आपको असहन पीड़ा देगा। ये एक बुलेट एंट इनिशिएशन सेरेमोनी है, जिसे अमेज़न की सेटर मोर ट्राइब करती है। सबसे पहले जंगल में से बुलेट एंट्स को इकट्ठा किया जाता है, फिर उन्हें एक खास रसायन से बेहोश किया जाता है, फिर एक अलग तरह के दस्ताने बनाए जाते हैं, फिर इन चींटियों को दस्तानों में डालकर इनका डंक एक तरफ और इनका मुंह एक तरफ रखा जाता है। और जब इन चींटियों को होश आता है तो इन दस्तानों को कबीले के लोगों को पहना दिया जाता है। फिर इन लोगों को इतना दर्द होता है जितना आप और मैं कभी भी सह नहीं सकते। इस सेरेमोनी को ज्यादातर युवा लोग करते हैं। ये लोग अपनी शक्ति और साहस को साबित करने के लिए ऐसा करते हैं। इस मछली का नाम इलेक्ट्रिक ईल है, जो अमेज़न रिवर में पाई जाती है। खास बात यह है कि ये 850 वोल्ट का झटका मार सकती है। एक इंसान को मारने के लिए सिर्फ 50 वोल्ट ही काफी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि 860 वोल्ट का झटका कितना खतरनाक होता है। ये मछली मगरमच्छ को भी बहुत बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मार सकती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। इसके अलावा अमेज़न रिवर में पिंक डॉल्फिन पाई जाती है। ये दुनिया की सबसे रेयर डॉल्फिन है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने शायद ही कभी पिंक डॉल्फिन देखी होगी। ज्यादातर डॉल्फिन इंसानों के साथ फ्रेंडली होती है, लेकिन ये वाली डॉल्फिन बहुत खतरनाक है। ये आपकी जान भी ले सकती है। अपने मकड़ी देखी होंगी, लेकिन क्या इतनी बड़ी मकड़ी देखी है? गोलियत बर्ड ईटर नाम के ये मकड़ी दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी है, जो अमेज़न के जंगल में पाई जाती है। इसकी बॉडी 4.75 इंच बड़ी और इसके पैर 11 इंच से भी बड़े हो सकते हैं। इसके साइज का अंदाजा आप इस इमेज से लगा सकते हो। आपको इस इमेज में कुछ अजीब दिखा? ये एक उल्लू की प्रजाति है, जिसे पोटू ओवल कहते हैं, जो अमेज़न में पाया जाता है। ये उल्लू छुपने में इतना माहिर है कि आप इसको देख ही नहीं पाओगे। अमेज़न का सबसे खतरनाक जानवर ग्रीन एनाकोंडा है।
दूसरे सांपों की तुलना में ये सांप 30 फीट से भी लंबे होते हैं। इनका वजन 250 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है और इनकी चौड़ाई 12 इंच से भी ज्यादा हो सकती है। ये विशाल सांप हिरण, तेंदुए, बाघ और यहाँ तक कि एक मगरमच्छ को भी निगल सकते हैं। ये जहरीले तो नहीं होते, लेकिन इनकी पकड़ में कोई आ जाए तो उसका छूटना मुश्किल है। ये अपने शिकार का दम घोंट के मार देते हैं। जानवरों के अलावा यहाँ ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। जैसे कि इस वॉकिंग पाम ट्री को ही देख लो। आपने कभी चलने वाला पेड़ देखा है? ये पेड़ अपनी जगह से हिल सकता है और अपनी जगह बदल सकता है। अमेज़न में सूरज की रोशनी मिलना एक लॉटरी जीतने के बराबर है, क्योंकि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ सूरज की रोशनी को जमीन पर पड़ने से ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए कुदरत ने इस पेड़ को चलने के काबिल बनाया है। ये पेड़ सूरज की रोशनी की ओर खींचे चले जाते हैं। इनकी चलने की स्पीड बहुत स्लो है। इनकी जड़ें बाहर की तरफ है और दिखने में ये एक झाड़ू की तरह दिखते हैं। एंजेलिम वर्मेलो, ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट का सबसे बड़ा पेड़ है, जो 88.5 मीटर लंबा है। इसका सर्कम्फ्रेंस 9.9 मीटर है। अंदाजे से बता दूं कि इतनी लंबी 25 मंजिला बिल्डिंग होती है। रैफल्सिया फ्लावर, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा फूल है जो अमेज़न जंगल में पाया जाता है। आकार में ये 3 फुट बड़ा होता है और वजन में ये 7 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके साइज का अंदाजा लगाने के लिए आप इस इमेज को देख सकते हो। लीफ मिमिक कैटीडेड, आप इस पत्ते को ध्यान से देखो। दरअसल ये पत्ता है ही नहीं, ये एक कीड़ा है जो एक पत्ते की तरह दिखता है। इसका नाम लीफ मिमिक कैटीडेड है। कुदरत का ये करिश्मा सिर्फ अमेज़न में ही हो सकता है। आप इस लकड़ी को ध्यान से देखो, ये कोई लकड़ी नहीं, एक इंसेक्ट की स्पीसीज है जिसे जंपिंग स्टिक इंसेक्ट कहते हैं। ये पेड़ों पर रहकर पत्तियां और टहनियां खाते हैं। इनका ये बॉडी डिजाइन बहुत से शिकारियों से इन्हें बचाता है। पेस्टलोचियोप्सिस माइक्रोस्पोरा, ये एक तरीके की फंगस है। खास बात यह है कि ये फंगस प्लास्टिक तक को भी खा सकती है। आज इस दुनिया में प्लास्टिक पोल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है। अगर इस फंगस को अमेज़न से बाहर निकालकर दुनिया के तमाम हिस्सों में पहुंचाया जाए तो पूरी दुनिया की प्लास्टिक की समस्या खत्म हो सकती है। इसके अलावा अमेज़न जंगल के बहुत से ऐसे रहस्य भी है जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाओगे। पर्सी फॉसेट नाम का यह व्यक्ति, जिसका जन्म ब्रिटेन में हुआ था, इनको रियो सिटी की एक लाइब्रेरी में एक दस्तावेज मिलता है जिसे एक पोर्चुगीज खोजकर्ता ने लिखा था। उस दस्तावेज में एक ऐसी साइट के बारे में लिखा था जो अमेज़न जंगल के बीचों बीच स्थित है। उस खोजकर्ता ने उस दस्तावेज में एक सोने की छत और चांदी की दीवार वाली सिटी के बारे में लिखा था, जिसे लॉस्ट सिटी ऑफ जी कहा जाता है। पर्सी फॉसेट ने उस किताब को पढ़ने के बाद अमेज़न जंगल में उस सिटी को खोजने का सोचा। फॉसेट अपने बेटे, उसके दोस्त, दो ब्राजीलियन मजदूरों के साथ हथियार लेकर उस सिटी को ढूंढने चले गए। उनके इस सफर में उन्हें बहुत से अजीब और विशाल जानवरों का जिक्र किया था। फॉसेट के हिसाब से उन्होंने साल 1906 में एक 62 फुट के सांप को देखने का दावा किया था और उस एनाकोंडा को गोली मारने का दावा किया था। इसके अलावा उन्होंने 70 फुट लंबे सांप को देखने का दावा भी किया था। अब तक का सबसे बड़ा सांप टेटनोबोआ था, जो 42 से 47 फुट लंबा हुआ करता था। ये विशाल काय सांप धरती पर 6 करोड़ साल पहले पाया जाता था। फॉसेट की माने तो टिटनोबोआ जैसा सांप आज भी अमेज़न के जंगलों में मिल सकता है। इसके अलावा फॉसेट ने एक विशाल काय मकड़ी का जिक्र भी किया था। फॉसेट ने अमेज़न में 6 फुट लंबे पैर वाली मकड़ी को भी देखा था। कई लोगों ने इन मकड़ियों को इंसान का शिकार करते हुए भी देखा था। फॉसेट ने सिटी ऑफ जी को ढूंढने के लिए पूरा अमेज़न जंगल छान मारा था। उनका सामना अमेज़न में ऐसे ऐसे लोगों और जानवरों से हुआ था जिन पे विश्वास करना मुश्किल था। फॉसेट के हिसाब से उन्होंने मैरीकॉक्स को भी देखा था। मैरीकॉक्स एक ऐसे बंदर और इंसान का मिश्रण है जो 12 फुट तक लंबे होते हैं। कई लोग इन्हें येती और बिगफुट भी कहते हैं। इनके पास तीर धनुष होते हैं और ये झुंड में रहना पसंद करते हैं। कई लोगों ने इन्हें अमेज़न के जंगलों में और दक्षिण अमेरिका के जंगलों में देखने का दावा किया है। फॉसेट दक्षिण अमेरिका के जंगलों को मैप कर रहे थे, तभी उनका सामना मैरीकॉक्स से होता है। फॉसेट ने लिखा था कि जैसे ही वो मैरीकॉक्स की बस्ती पर गए, तभी उन जानवरों ने फॉसेट पर हमला कर दिया। फिर फॉसेट ने जमीन पर उनके पैरों पे गोलियां चलाई तो वो लोग डर कर भाग गए। फॉसेट के हिसाब से ये लोग मक्सुबी ट्राइब के नॉर्थ में रहते हैं। फॉसेट ने अपनी पत्नी को पत्र लिखा था जिसमें लिखा था कि उन्हें लॉस्ट सिटी ऑफ जी मिल गई है। ये उनका भेजा हुआ आखिरी पत्र था, क्योंकि इसके बाद वो फिर कभी नहीं दिखे। फॉसेट को ढूंढने के लिए 200 लोगों की टीम गई थी, लेकिन उन 200 लोगों में से एक भी वापस नहीं आया।
फॉसेट और उन 200 लोगों के साथ क्या हुआ, ये आज भी एक रहस्य है। क्या उन्हें वो सिटी मिल गई थी? क्या उन्होंने उस प्राचीन शहर में रहने का फैसला कर लिया था, या उनको किसी ने अगवा कर लिया था? ये आज भी एक रहस्य है। इसके अलावा कई लोगों ने अमेज़न में UFO और एलियंस देखने का दावा भी किया है। सन 2016 में एक अमेरिकन आदमी ने गूगल अर्थ पर अमेज़न के जंगलों में एक UFO देखा। सिगार शेप का यह UFO पेड़ों के बीच छुपा हुआ है। इन जंगलों में कोई मोबाइल टावर या कोई बड़ा खंबा नहीं है, चारों तरफ बस पेड़ ही पेड़ है। तो ये सिगार शेप का UFO कहां से आया? 2011 में दो ब्रिटिश टूरिस्ट ब्राजील घूमने गए। अमेज़न के जंगलों में उन्होंने ये तस्वीर ली जिसमें एक एलियन पेड़ के पीछे छुपा हुआ है और एक नीले रंग की रोशनी दिख रही है। इस तस्वीर को देखकर सबके होश उड़ गए। अमेज़न के जंगल परग्रहियों के छुपने के सबसे आसान ठिकाने हैं, क्योंकि यहां ज्यादातर इंसानों का आना जाना नहीं होता। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जब ड्रोन उड़ाकर इन जंगलों को देखा तो उन्हें कुछ इस तरह की आकृति दिखाई दी। इनको जियोग्लिफ्स कहते हैं। सवाल यह है कि इतनी विशाल जियोग्लिफ्स को किसने बनाया? ये जियोग्लिफ्स 2000 साल पुराने हैं। कई मछुआरों की माने तो इन जंगलों में पेड़ों की एक ऐसी किस्म है जो आदमखोर है, जो इंसानों को जकड़कर खा जाती है। और कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा किया है अमेज़न की कुछ आदिवासी जनजातियां इंसानों को पकड़कर इन पेड़ों को इंसानों की बलि चढ़ा देती है। ये विशाल काय गोल आकार बॉल्स अमेज़न में पाई जाती है। ये यहां कैसे आई और क्यों आई और इन्हें किसने बनाया, ये आज भी बहुत बड़ा रहस्य है। माना जाता है कि इन्हें प्राचीन आदिवासियों ने बनाया था और वो इनकी पूजा करते थे। मैं अपने हाथों से कागज पर एक गोल सर्कल भी ठीक से नहीं बना सकता, तो प्राचीन जमाने में इन पत्थरों को इतनी सटीकता से कैसे बनाया होगा। फिलहाल अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। ताजा आंकड़े बताते हैं कि 18% अमेज़न जंगल हम इंसानों ने काट दिया है। 2023 में 127 स्क्वायर माइल्स का जंगल कट चुका है, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।